अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद फैसल लीशा और आप देख रहे हैं फैसल फिटनेस व्लॉग्स। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो दोस्तों, मेरा मशीन की रिव्यू देने का सिलसिला जारी है। तो आज मैं आपको थर्ड वीडियो बना के बता रहा हूँ पैक डेक की। इसको पैक डेक भी कहा जाता है और इसको बटरफ्लाई भी कहा जाता है। तो इसमें दो अमूमन एक्सरसाइजेज होती हैं, तो चले मैं आपको बताता हूँ किस तरह होती हैं। अक्सर जिम्स में बटरफ्लाई होती हैं तो वो सिर्फ चेस्ट का वर्कआउट ही करती हैं, पर इसके अंदर शोल्डर का वर्कआउट भी होता है। दो स्टेप लगते हैं, वो दोनों स्टेप मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह लगते हैं। तो चलिए हम आपको देखो। दोस्तों, हमारा पहला स्टेप ये है मशीन का पैक डेक का, जिसको हम बटरफ्लाई भी कहते हैं। इसका पहला स्टेप ये है कि जो अमूमन दूसरे जिम्स में होती है फिक्स मशीन होती है, वो मल्टी नहीं होती, उसमें सिर्फ चेस्ट की एक्सरसाइज लगती है। पर हम इसमें चेस्ट की भी और हम इसमें बैक शोल्डर की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है इसका कि मैं आपको चेस्ट का तरीका बताता हूँ। देखिए, ये इसके आप ऊपर देख रहे हैं राइट साइड, ये एडजस्टेबल है, ये मल्टी मशीन पैक डेक है। ठीक, इसको आप आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। राइट साइड से ये देखें, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए, अटैचमेंट इसकी आगे हुई, फिर अटैचमेंट इसकी हमने पीछे कर दी। ठीक है, तो ये जहाँ पे आपको सही लगता है कि हमें यहाँ से सही लगता है कि हमें चेस्ट पे जोर पड़ेगा तो हमें वहाँ मारना चाहिए। अक्सर लोग होते हैं मोटे होते हैं, तो उनके अक्सर जो फिक्स मशीन होती है बटरफ्लाई की, तो वो हाथ यूँ करके यूँ लगा रहे होते हैं, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है रखने में भी और उठाने में भी। तो अगर आपके हाथ बड़े हैं या हाथ आपके छोटे हैं, तो ये हर मल्टी मशीन है, ये हर बंदे की साइज़ पर एडजस्ट हो जाती है। तो ये देखें, अब ये मशीन है, मैंने बिल्कुल पीछे इसका राइचर रखा हुआ है अपने हिसाब से। ठीक है, ये हमने उठाया और ये आराम से बिल्कुल किसी तकलीफ के ना पे मैंने देखे चेस्ट पे सीधा जोर पड़ रहा है, ये आ गया। ठीक है, क्योंकि ये एडजस्ट होती है और ये मल्टी मशीन है, इसमें मोटा हो पतला हो, जिसके छोटे हाथ हों, जिसके छोटे हाथ हैं वो यूँ भी मार सकता है ये देखें, और जिसके लंबे हाथ हैं वो लंबे हाथ से भी यूँ मार सकता है। तो ये फिक्स नहीं है, ये मल्टी मशीन इसको कहा जाता है पैक डेक को। तो बहुत बेहतरीन चीज़ है ये, और अक्सर जिमों में अब आजकल लोग ये रख रहे हैं क्योंकि ये जिम की जान कहलाती है ये मशीन। ठीक है, और इसमें दोस्तों सेकंड स्टेप ये है कि बैक शोल्डर का। बैक शोल्डर के लिए हम क्या करेंगे, राइट साइड को बिल्कुल सबसे पहले वाले हॉल में डाल देंगे। ठीक है, यहाँ से भी पहले वाले हॉल में डाला हमने। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे फेस पहले हमारा इस साइड पे था, अब हम फेस जो है फ्रंट साइड पे करेंगे मशीन की साइड पे। ये हमने किया, ये देखें, ये बैक शोल्डर के लिए बहुत बेहतरीन मशीन है। ठीक है, इसलिए इसको मल्टी मशीन कहा जाता है। ये बैक शोल्डर भी इसमें हमारा वर्कआउट बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाता है। अक्सर जिमों में बैक शोल्डर की कोई भी मशीन नहीं होती। ठीक है, तो इस मशीन पे क्या है कि ट्विन वन मशीन है, इसमें बटरफ्लाई भी हो जाती है और बैक शोल्डर की भी एक्सरसाइज बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाती है। बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है इस पर बैक के लिए, और जिस तरह हम बैंड ओवर्स मारते हैं बट उसके लिए शोल्डर के लिए, तो ये बैंड ओवर के बाद आप इसका यूज़ करें तो बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा आपके शोल्डर पर। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा रिव्यू पैक डेक का, जिसे बटरफ्लाई भी कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छी मशीन है, जिस तरह ये आप इसके राइचर देख रहे हैं, राइचर से ही सारा इसका कमाल है मशीन का। क्योंकि अक्सर दूसरे जिम्स में आपने देखा होगा फिक्स मशीनें होती हैं, तो हाथ किसी का जाता नहीं, किसी के छोटे हाथ होते हैं, जब वो मार रहे होते तो वो अपनी जगह पर ही जा रही होती, पर इसका फ़ायदा ये है एडजस्ट, ये देखें, ये एडजस्ट मशीन है। आपका छोटे हाथ है, छोटे हाथ पर भी बहुत VIP वर्कआउट करेगी, ये लंबे हाथ है तो लंबों पर भी बहुत VIP वर्कआउट करेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम किसी नई मशीन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।